हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और मैं अभी हूँ जौनपुर शाही किले के पास। शाही किला है, ओल्ड शाही किला है, काफ़ी पुराना है। तो जौनपुर वैसे आप लोग को मालूम होगा कि मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है यार। तो मैं भी गांव आया हुआ हूँ। और मेरे भाई का आज CBSE का, आप लोग को मालूम रहेगा, 10th का एग्ज़ाम आज से शुरू है। आज है 7 तारीख, 7/3/2019। तो जौनपुर ही आया था मैं, अभी उनका एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं बोला शाही किला देख लेता हूँ। मैं बेसिकली हूँ तो जौनपुर से, लेकिन कभी मैंने शाही किला देखा नहीं। तो आज मैं शाही किला देखने हुए चला आया हूँ। काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब बहुत पुराना है, 1162 का बना हुआ है ये शाही किला। काफ़ी पुराना है, देखना तो बनता है, मस्त है। चलो देखते हैं। यहाँ से आप ना जौनपुर शहर का ना नज़ारा भी देख सकते हो। पीछे देखो काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये ऊंचाई पे ही है तो इसलिए नज़ारा पूरा जो है सिटी का दिखता है। यहाँ से अगर आप घूमते घूमते ना, मतलब काफ़ी जगह यार, जितने आपके पुल उल हैं, मतलब जो पुल हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ से गोमती नदी है, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये देख रहे हो, एग्ज़ाम देने मेरा भाई और मेरे भाई का दोस्त दोनों लोग बैग लेके आए हैं। लेके वही चल रहा हूँ भाई, अभी अंदर तो ले जाने देंगे नहीं उन लोगों को, इसलिए मैं बाहर था तो मुझे दे दिए। मैं उतना टाइम उधर ना बैठता तो बोर होता था, फिर मुझे आइडिया आया कि भैया जौनपुर आए हैं तो घूम ही लेते हैं यार किला, और देखे नहीं है, फिर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम बोले कि चलो देख के आते हैं। वैसे जो है कुछ बातें जौनपुर के बारे में बता दूं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का 7वें नंबर पे, मतलब 7वें स्थान पे है। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, मतलब कंपेयर टू और डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, एक जैना खां कोई मुगलक शासक था, आप लोग जानते रहोगे, इतिहास इतिहास पढ़े रहोगे, उतना उसमें रहेगा कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, बट मैंने देखा है सुना है, उसने ही ये मतलब यहाँ पे राज करता था। और यह एक ऐतिहासिक मतलब ज़िला है, यहाँ बहुत सारे मुग़ल रहते थे और इसीलिए किला भी बना हुआ है, हो सकता है ना इसीलिए रहेगा यार, और कुछ नहीं है। इतना है मेरे जौनपुर का खास। और आप बनारस से अगर आ रहे हो ना, तो बनारस से 60 किलोमीटर और इलाहाबाद से 100 किलोमीटर पे है। क्या क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, लेकिन देख देख के पता लग रहा है कैसा मुग़ल बनवाते थे, इतना टाइम किधर था ये लोग के पास, समझ में नहीं आता यार। देखो आगे कुछ दिखाता हूँ, अच्छा इधर चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। भूल भुलैया लग रहा है यार वैसे भूल भुलैया तो नहीं है, कहाँ जा रहे हो भाई। अरे देखोगे कहाँ जा रहा था, पीछे देखो एंड है पता ही कहाँ जा रहे पता नहीं चल रहा है। एक मिनट, इधर से निकलने का रास्ता रहेगा, हाँ इधर से रास्ता है। अरे राम, नज़ारा तो बिल्कुल एकदम कतई भाई है, बहुत अच्छा है यार ये वाला नज़ारा देखो। और ऐसा बनवाते थे ना, मतलब दिन में भी उजाला रहे हैं, तब लाइट वाइट तो मुझे तो लगता है थी नहीं। कमाल करते हो यार मुगल। और ये नज़ारा ना हर जगह देखने के लिए मिलता है। आई लव यू जान, आई लव यू जानू, देखोगे ये देखो, मतलब भाई लोग ना एकदम दिल से प्यार करते हैं, बोले तो मुगल वाला प्यार, देखो पूरा लिख रखे हैं। प्यार करने में हमारे भाई ना कुछ मुगलों से कम नहीं है। मुगल तो साले कौन था, वो मुमताज, ताजमहल बनवा के गया,
भाई लोग देखो जाके उधर ना अपने जान का नाम उस पे लिख के आते हैं। भाई में दम है यार, भाई लोग में जहाँ भी जाते हैं अपने जान का नाम लिख के ही आते हैं। मुमताज की याद में मतलब वो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, भाई लोग उस पे जाके ना अपने जान का नाम लिख के आते हैं। कमाल करते हो यार भाई लोग। पीछे दिख रहा है ना, ये स्नान घर है। वहाँ जो मुगल थे उनकी बेगम जान वो लोग स्नान करती थी, ऐसा लिखा गया है और बताया गया है, ठीक है। और ये पीछे जो देख रहे हो कुआं है, कैसे पानी निकालते थे, मोटर तो नहीं था मुझे नहीं मालूम, आगे आप समझो समझो भाई लोग। छोड़ो, अच्छा छोड़ो, आगे देखो, कुछ और देखने दिखाता हूँ आप लोग को। जो है ये किले की देखभाल का जिम्मेदारी जो है सारनाथ मंडल करता है, और मुझे लग रहा है वो भारत सरकार में ही आता है इसलिए वो करता है, और अभी वैसा किसी का नहीं है। हर जगह पे लिखा है सारनाथ मंडल जो है देखभाल वही करता है। यहाँ पे जो टिकट है वो आपको 25 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर किसी अंग्रेजी विदेशी दोस्त को लिवा के आते हो उसका 300 होगा, इसलिए किसी विदेशी दोस्त को मत लेके आओ। और मेरा सजेशन है इंग्लिश मत बोलो, नहीं तो आपको 300 देने पड़ेंगे। किडिंग यार, ऐसा नहीं है, जैसे बता रहा हूँ 300 मुझे लगता है ना इसलिए रहेगा कि अंग्रेज़ों ने ना हमसे बहुत लूटा है, तो अभी उनको लूटना बनता है, हर जगह में सब उनका ज़्यादा ही रहता है।